कौन सा? पहली बार परफ्यूम दिखाना पड़ेगा भाई। किधर H9? ये देखो लाइन से लगे हुए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ मूवी देखने के लिए डंक की, क्योंकि आज है संडे और आज है ऑफिस छुट्टी। तो मैंने आज प्लान किया है, मैंने 2 दिन पहले ही टिकट ले लिया था, तो मैं जा रहा हूँ मूवी देखने के लिए डंक की। और ज़्यादा दूर नहीं है, 2 स्टेशन दूर है, तो फिलहाल मैं आ गया हूँ स्टेशन के पास और अभी लूँगा मैं टिकट। पीछे टिकट मशीन है, वहाँ से लूँगा टिकट और फिर यहाँ से निकलूँगा। तो मेरा 12:20 का शो है, अभी टाइम है, तो आराम से मैं जा सकता हूँ और थोड़ा चिल करते हुए। सो चलो चलते हैं, पहले टिकट लेते हैं और फिर जाएंगे ट्रेन के लिए। सो गाइस, ये रहा मशीन, पहले लेते हैं टिकट उसके बाद चलेंगे यहाँ से। किधर है? चलो अभी इसको मैं पे करता हूँ, तो बंद करना पड़ेगा कैमरा। तो मैंने गाइस टिकट ले लिया और टिकट लेके अभी जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे, देखते हैं कितने नंबर पे आएगी। आई थिंक 3 नंबर पे आएगी। तो देखते हैं, संडे को कभी कभी बंद भी रहता है, मतलब मेगा ब्लॉक रहता है, तो ट्रेन काफ़ी लेट आती है, पर देखते हैं आज क्या होता है। आज स्टेशन काफ़ी खाली है, मतलब इतना खाली रहता नहीं, संडे है इसके लिए। अभी ट्रेन कब आएगी पता नहीं, इस पर लिखता है बट यहाँ पर लिख नहीं रहा है। जिस स्टेशन से मैं आने वाला था वो कैंसिल है 4 बजे तक, तो मैं दूसरे स्टेशन पे आया हूँ और फिर यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि वो कैंसिल है 4 बजे तक आज, और संडे को ब्लॉक रहता है इसके लिए। ओ से फाइनली मैं, एक्चुअली मैं बता दूँ दोस्तों कि मेरे साथ क्या हुआ अभी। जिस स्टेशन से मैं आने वाला था वहाँ से वो ट्रेन कैंसिल है 4 बजे तक, क्योंकि संडे है, तो संडे को कभी कभी काम चलता है ना ट्रैक के ऊपर, तो इस वजह से वो बंद है 4 बजे तक वो रूट। तो मैंने दूसरी ट्रेन पकड़ी और दूसरी ट्रेन पकड़ के दूसरे स्टेशन पे आया और फिर यहाँ से अभी ट्रेन का वेट करूँगा जहाँ पर जाना है। तो देखते हैं कब तक आती है, मैं वेट करता हूँ। 1 नंबर पर आएगी और 11:15 का टाइम दिखा रहा है। अच्छा हुआ मैं वहाँ से चला आया, नहीं तो मैं वेट करते करते जैसे अनाउंस हुआ मैं दूसरा ट्रेन पकड़ लिया, अदरवाइज मैं लेट हो जाता और मेरी शो भी छूट जाती, क्योंकि 12:20 का है और ऑलरेडी 11:15 होने वाला है, तो मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अगर ये रूट बंद हुआ और नहीं आई फिर मैं फंस जाऊँगा, बट देखते हैं आनी चाहिए। वो देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं यार। सो दोस्तों मैं अभी देखो दूसरे स्टेशन पे आ गया हूँ, इस वाले पे दिखा रही है 1 नंबर पे, इससे जाएगी, देखते हैं कब तक आती है क्या होता है। इधर लिख तो रहा है नेरुल ही जाना है मेरे को, 11:16 लिख रहा है, अभी टाइम है 5-7 मिनट, लेट्स सी क्या होता है। और सच में मैंने एक आज बुरा सपना भी देखा है, और मैंने देखा है मेरी सोच छूट गई है, मतलब मैं 13 मिनट या 14 मिनट ऐसा मैं लेट हो गया हूँ और मैं घर पे ही हूँ, मतलब पता नहीं सोया था या फिर क्या, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था, बट इतना था कि मैं शोर छूट गया है और मैं लेट हो गया हूँ। तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ अब जाऊँ नहीं जाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी छूट गया इतना मिनट, तभी नींद खुल गया मेरा और ये सच में हुआ है आज मेरे साथ सपने में। आई डोंट नो क्या होने वाला है आज, देखते हैं। तो दोस्तों फाइनली ट्रेन आ गई है और अभी यहाँ से मैं निकलता हूँ। सो दोस्तों फाइनली मुझे ट्रेन मिल गई है और मैं यहाँ से निकल गया हूँ, और ज़्यादा दूर नहीं है, 2 स्टेशन है, उसके बाद मैं फिर निकल जाऊँ, मतलब 7 मिनट का रास्ता है यहाँ से ट्रेन।
गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं और यहां से जाना है पैदल ही ऑटो से, देखते हैं क्योंकि यहां से अभी 1 किलोमीटर करीब है, तो देखते हैं कैसे जाता हूं। इसमें आपको एक चीज़ दिखाता हूं, यहां पे ऑटो वाले देखो कैसे चिल्ला रहे हैं, लाइन से लगे हुए हैं और चिल्ला रहे हैं कैसे, ये देखो लाइन से लगे हुए हैं और कैसे चिल्ला रहे हैं। अभी देखते हैं, पता नहीं बस जाएगी क्या जाएगी, समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ पैदल और ज़्यादा दूर नहीं है, तो 20 मिनट रास्ता था, मैंने सोचा कि पैदल जाते हैं क्योंकि ऑटो वाले काफ़ी ज़्यादा पैसा मांग रहा था, तो मैं सोचा कि काफ़ी टाइम है अभी तो मेरे पास, तो मैं पैदल ही जाता हूँ। तो अभी जा रहा हूँ मैं, 10 मिनट हो गया है और 10 मिनट और लगेगा, थोड़ा धूप है बट चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। मज़ा आ रहा है पैदल जाके, मज़ा आ रहा है और मोस्टली मैं पैदल ही जाता हूँ, ऐसे कहीं जाता हूँ तो छोटा मोटा वॉक रहता है ना, तो पैदल ही जाना चाहिए वैसे। सो चलो चलते हैं, देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँचा हूँ। और ये वाला मॉल है ना जो नेक्सस सीवुड मॉल, इसमें मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, इससे पहले मैं इसमें गया नहीं और इसमें मूवी देखने भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है, मज़ा तो आना चाहिए। क्योंकि ऐसे मैं वैसे मैं गूगल में चेक किया तो काफ़ी बड़ा दिखा रहा है, काफ़ी अच्छा देखने में काफ़ी अच्छा था, सो मैं सोचा कि चलो यहीं जाते हैं फिर। चलो थोड़ा धूप लग रहा है तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ से निकलता हूँ। सो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच गया हूँ, 1-2 मिनट और लगेगा और ये अंडरग्राउंड एंट्रेंस है यहाँ से जाने का, तो मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ, अभी 2 मिनट और लगेंगे बस। ये देखो ये है स्टेशन और स्टेशन के अंदर से एंट्रेंस है, तो ये ज़्यादा इजी था, तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ उस साइड उस पार। ऐसा लगता है मैं फाइनली पहुँच गया हूँ, बट मॉल कितने फ्लोर पे है देखना पड़ेगा हमको। सिनेपोलिस इधर है, इधर लिखा है सिनेपोलिस, तो उसके लिए इधर जाना पड़ेगा। सो लगता है मैं फाइनली पहुँच गया, थैंक गॉड। परफ्यूम दिखाना पड़ेगा, पहली बार परफ्यूम दिखाना पड़ेगा भाई। थैंक यू सो मच, फाइनली गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूँ और अभी जा रहा हूँ थिएटर के अंदर और जहाँ पे एक्सरे होता है बहुत बैग का, वहाँ पर तो बोल रहे हैं कि आप दिखाओ कौन सा परफ्यूम यूज़ करते हो, वाला परफ्यूम कौन सा यूज़ करता हूँ, तो मैंने उनको दिखाया, बोले ठीक है जाओ। मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कोई परफ्यूम चेक कर रहा है, ऐसे किसी मॉल में नहीं हुआ बट यहाँ पे हो रहा है, नेक्सस सीवुड मॉल। बट ठीक है सिक्योरिटी के लिए चेक करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक गुब्बारे होगा। देखते हैं ऊपर जाना है, ऊपर होगा, ऊपर में है थिएटर। गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं सिनेपोलिस के पास, थिएटर के पास, और ये मॉल भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा मॉल है, मैं इसमें फ़र्स्ट टाइम आया हूं, जो कि इसका नाम है नेक्सस सीवुड, नेरुल में है, नेरुल या सीवुड, नेरुल में दिखा रहा है वैसे मैप में, तो
और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। तो मैं टाइम पे पहुंच गया, 15 मिनट अभी भी है मेरे पास, पर मैं पैदल ही आया और आराम से पहुंच गया हूँ। तो थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा वॉशरूम वगैरह जाएंगे, इसके बाद जाएंगे मूवी के लिए। ये है सिनेपोलिस, बट डंकी का कुछ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइस ये देखो, ये है काउंटर, यहाँ से जो लोग टिकट नहीं लिए काउंटर से टिकट ले सकते हैं, बट मैं ऑनलाइन ले चुका हूँ ऑलरेडी। सो दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी आ रहा था, एकदम से फास्ट चल के आ रहा था, मुझे लगा मैं लेट हो जाऊँगा, बट ऐसा नहीं हुआ, मैं पहले ही आ गया। और है अभी टाइम 15 मिनट टाइम है, तो मैं टिकट एक्चुअली मैं ऑनलाइन ले चुका हूँ, 2 दिन पहले ले लिया था। ये डंकी का ट्रेलर है, क्या है मालूम नहीं चल रहा है यहाँ पे। ये देखो क्या मस्त नज़ारा है अंदर, वाह बहुत ही खूबसूरत बनाया है। मेरा है 8 नंबर, काफ़ी बड़ा है यार ये तो, इतना बड़ा। इधर है वॉशरूम डंकी, यह है 8 नंबर ऑडी, और मुझे जाना है 8 नंबर में। अभी 5 मिनट बचा है गाइस, एंट्री चालू हो गया है और मैं जा रहा हूँ अंदर। तो मिलते हैं आपको मूवी देखने के बाद। H9, किधर H9? You have breast cancer and you are very lucky. मेरे डॉक्टर ने मुझे ये कहा, लेकिन मेरी एक आदत ने मुझे लकी बनाया। मेरी रेगुलर हेल्थ चेकअप। गाइस फाइनली मैं बैठ चुका हूँ। SBI Life थैंक्स टू डॉट के प्रोजेक्ट हब ऑफ लाइफ से बनाए फाइनली मैंने देख लिया है डंकी, और मैं आ चुका हूँ बाहर देख के, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी पसंद आया मूवी, बहुत ही अच्छी थी मूवी, एक बहुत ही सेंसेटिव टॉपिक पे था, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया। और अभी मैं आ गया हूँ बाहर, तो मैं अभी टिकट लूँगा और वापस जाऊँगा, तो मैं अभी जल्दी से निकलने वाला हूँ। तो चलो अभी निकलते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।